कर ही नहीं रहा। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। और आज आप सबको सुनना पड़ेगा। याद है आपने मुझे कहा था कि तुम मेरे भाई हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलरेज आपका भाई था। नीलम प्लीज यहां थोड़ी देर बैठ के मेरी बात सुन लीजिए। आइए अली भाई, आप भी आइए प्लीज। माहिन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो उसका बाप था जिसने मेरे घर को, मेरी फैमिली को खत्म कर डाला था, मैंने उसी दिन से उसे बदले लेने की ठान ली। कभी कभी मुझे उस पर तरस आ जाता, लेकिन फिर मैं अपनी मां के रिकॉर्डेड कैसेट सुन लेती थी और मेरी माहिन से मोहब्बत नफरत में बदल जाती थी। मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि माहिन को भी उसी हथियार से मारूंगी। हथियार मेरी मां को कत्ल करने में यूज हुआ था। डायरी माही उस डायरी में खोई रहती थी। आखिरकार मुझे एक पक्का आदमी मिल गया, वो कमबख्त इतना एक्सपर्ट था, बस एक दफा किसी के हैंडराइटिंग देखता था और वो वही जवाब देता था। फिर मैंने दूसरी डायरी ढूंढी है,
अपनी मर्जी का कंटेंट लिखाया। मेज पर सजी हुई माहिन की डायरी, उसको और उसके घर वालों को उनके घर से निकालना और फिर तुम जैसे शख्स को इस तरह प्रवोक कर देना कि तुमसे डायरी पढ़े बगैर रहा ही ना जाए। मेरी लगन ने कामयाबी के सब दरवाजे खोल दिए। सबसे अच्छा काम तो तुमने ही किया, तुम डायरी भी अपने साथ ही ले गए। मुझे दुख है मैंने माहिन को बर्बाद कर डाला, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। मुझे माहिन से बहुत मोहब्बत थी, उस मोहब्बत से नफरत करने के लिए मैंने अपने आप से जंग लड़ी है, लेकिन जब मैं जीत गई तो मुझे माहिन पर बहुत तरस आया था। एक दिन चाहा कि उसे फोन करूं, उसको बताऊं कि अक्सर हम जब किसी ना कहानी आजमाइशों में उलझ कर सोचते हैं कि हमारा कसूर क्या था, तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि तरके में मिली हुई प्रॉपर्टी के साथ बाप के गुनाहों का कर्ज भी हिस्से में आता है। और अफसोस की बात ये है कि ईमानदार बच्चों को वो कर्ज चुकाना पड़ता है। पापा ही राजा, पापा आपके सर का सारा कर्ज उतर गया है। मैंने अपने अरमानों का खून बेचकर अदायगी की है पापा। मैं आपकी बेटी आहीन औरंगजेब, आप किसी बाप को डरने की जरूरत नहीं है। मौज बनाए, जी भर के गुनाह कीजिए, कुफारा देने और कर्ज चुकाने का वक्त आएगा तो बच्चे चुकाएंगे ना, बच्चे तो है ना। एक नहीं,
मुझे इजाजत दीजिए, मैं माहिन को अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। कहां? दादू के घर। वहां उसकी गवाही के बगैर मुझे माफी नहीं मिलेगी। वादा करता हूँ माफी मिलते ही छोड़ जाऊंगा उसे। इस घर के सिवा कोई और जगह नहीं है उसकी। अगर वो जाना चाहे तो ले जाओ। क्या कहना होगा मुझे? अभी नहीं कहोगी कि मैं बेकसूर था? बेकसूर तो तुम नहीं हो पाए, लेकिन अब नानों के मुजरिम नहीं रहे। गलती करने की रीजन थी तुम्हारे पास। एंड यू डोंट वरी, मैं नानों से कहूंगी तो तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे। इस बात पर खुश हो जाओ कि अगली कोई मौत टल गई। वैसे क्यों है वली? कैसे? उसने एक दफा कहा मेरे साथ चलो और वो चल पड़ी। मैं कुछ कहूं तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? जो सच है वो कहो वली, कड़वा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और गुलरेज तो मरने के लिए बीच में आया था। तुमने शादी क्यों नहीं की? नाना तो समझती नहीं तुम्हारे दो चार बच्चे होंगे और बड़ा वाला तो होगा कोई 5-6 साल का। बस यही एक बात अच्छी लगी है तुम्हारी कि तुमने शादी नहीं की। अब यहीं रहोगे ना? कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा है, तुम्हारी ये आरज़ू ही पूरी हो जाएगी। गैंग के चीफ बन जाओगे तुम। Thank you.
वकार अहमद। वो दरवाजे पर मोटे गार्ड क्या कर रहे थे? कमबख्तों ने गोली क्यों नहीं चलाई? बेगुनाह पर गोली चलाएंगी तो पापा को मुंह कैसे दिखाएंगी दादा? हेलो, दुश्मन तो सर पर पहुंच गया। दादा खबरदार, जो मेरे पैरों को छुआ मैं इन पैरों पर चलकर गुलरेज अख्तर की खबर पर जाती हूँ। तुम क्यों लेकर आई से यहाँ? तुमसे क्या रिश्ता इसका? मेरे मामू का बेटा है, कज़न है मेरा नानो। इसको ले जाओ मेहरुन्निसा, वसीयत की कॉपी थमाओ और कह दो कि तुम 100 बरस भी रोते रहो तो हमारी आंखों के सूखे दरिया नहीं भरेंगे। ये बाहर नहीं जाएगा नानो। ये बेचारा बेकसूर है, धोखे में आ गया। जिया ने मेरी डायरी जैसी एक डायरी बनाई, मेरी हैंडराइटिंग में किसी से अपनी मर्जी की बातें लिखवाई और पढ़ने के लिए इसके आगे रख दी। जिया ने डायरी में जो लिखवाया था उसे पढ़कर आपको भी लगता माहीन वकार को चीट कर रही है। जिया की रिकॉर्डिंग है इसके पास, मैंने सुनी है नानो, सारा कसूर जिया का है। जिया ने क्यों किया ये सब? जिया ने मेरे पापा का बदला मुझसे लिया। कौन है जिया? जिया तहमीना खातून की बेटी है। उसकी इकलौती औलाद। तुम तो मोहब्बत करते थे वक्कार अहमद। मोहब्बत करने वालों का ईमान इतना कमजोर होता है क्या? ये पूछा तो? ये तो इससे अल्लाह पूछेगा नानो। अब क्या चाहता है ये? से माफी मांगने आया। चलो ठीक है, कह दो कि मैंने माफ किया इसे, घर वालों से मिल मिला कर चला जाए और जब मैं मर जाऊं तो आता जाता रहे। दस्तूर अहमद का दिल खिंचता है इसकी तरफ। मेहरुन्निसा, वो गोली दो मुझे येलो रंग की। येलो रंग की गोली आप रात में खाएंगी नानो।
ये मुसीबत दिन में पड़ी है तो गोली रात को क्यों खाऊंगी मैं? मुझे माफ करते हैं दादू। गुलरेस के नाम पे मुझे माफ कर। चलो मन। हेलो, तुम ठीक कहते हो वली। वो गुलरेस से मोहब्बत नहीं करती थी। नीलम, मैंने उसकी दोनों डायरियां पढ़ ली हैं। हेलो नीलम, बहुत गुस्से में है वो। देखना, अभी खींच कर टांग उसके मुंह पर मार देंगी। नहीं, बस कहीं कहीं से बाल सफेद हो गए उसके। वैसे डैशिंग है अभी तक, बुढ़ा नहीं लगता। नहीं, अब यहीं रहेगा। अभी गाड़ी में पूछा था मैंने, बोला अब नहीं जाऊंगा। हाँ ना, अब कोई गम तो है नहीं, ना ही कोई शिकायत है उससे। सोचा कजिन तो है ना, कल को चीफ बन गया तो बात बात सुननी पड़ेगी उसकी, ये बात कर लेती हूँ। किससे बात कर रही? अली से बात कर रही हूँ। लाओ मेरी बात करो। अली, बात करो कार से। हेलो पार्टनर, अली, अली शायद कट गया। कटने की अवकार है मैं, उसने फोन बंद कर दिया। पहले तो जी में आया टांग दे मारूं उसके मुंह पर, या फिर दस्तूर को फोन करके कहूं कि पुलिस को बुलाए। पुलिस को? गैर के घर में घुस आया था कमीना, दहशतगर्दी की दफा लगती थी उस पर। ये क्या हो रहा है भाई? माहीन खुद उसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर आई थी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो डांट कर बोली, देख नहीं रहे हो मैं इसे अंदर ले जा रही हूँ। अरे मैं तो हैरान रह गई थी। पहले तो लगा कि हशर के दिन भी माफ नहीं करेगी उसको, और हुआ ये कि कमबख्त का मुंह देखकर पिघल गई। सूते फूट रहे हैं उसके अंदर।
सच्ची कहा था किसी ने, लड़की को पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। मैं डर रही हूँ उससे, उसकी नई मुस्कुराहट से, उसके पहली बार हाथ पकड़ने से। अरे नहीं सुरैया, वो जिया वाली कहानी सुनकर रहम आ गया उसके दिल में। पूरी रिकॉर्डिंग सुना कर गई है मुझे, सुनकर लगा के हिसाब पूरे हो गए हैं। बस अब कहानी खत्म, अब ना डरो। खुश हो गई है वो, तेज चलने लगी है, चादर की जगह फिर से दुपट्टा ओढ़ लिया उसने। अब देखना 4-6 दिनों में क्रिकेट भी खेलने लगेगी। महीने भर में अली भी आ जाएगा, फजर भी अगले साल के शुरू में पहुंच जाएगी, फिर यही रहेगी हमेशा। बस 2 खिलाड़ी कम हो जाएंगे, एक उनकी तरफ से, एक हमारी तरफ से। बकारो गुलरेज की बात कर रही है? गुलरेज की बात कर रही हूं, उसका जिक्र कर रही हूं बस। जैसे सराजुद्दौला की बात करो तो कमबख्त मारे मीर जाफर का जिक्र भी होता है। अब वो यहां से चला गया तो 100 बलाएं टल जाएंगी, और जैसा सलूक उसके साथ यहां हुआ है इंशाल्लाह रवाना हो गया होगा। वही छोड़कर आया उसको जी। वो लड़की भी देखो, फट से जा बैठी उसकी गाड़ी में। खैर उसकी जिम्मेदारी तो उन दोनों पर, उन्होंने इजाजत दी होगी तो बैठी होगी उसके साथ। देखो पहुंच गई है या बरगला कर ले गया कहीं खाना खिलाने? जी नहीं, खैरियत से पहुंच गई है। फोन किया उसको? जी नहीं, वो छोड़ के आया तो पता चल गया कि छोड़ आया। छोड़ कर आया मतलब वापस यहां आया था? पैर भी रखा घर में? जी। बिठाया तुमने? नहीं अम्मी बेगम, वो बैठे बात किए बगैर ही चला गया अपने कमरे में। अपने कमरे में? वो यहाँ है कमीना, कनीज महल के कमरे में रह रहा है। उसे निकालो दस्तूर अहमद, अभी के अभी निकालो, निकालो उसे। अली माहिन कहाँ है? अपने कमरे में होगी। कमरे में तो नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ उसे।
रहे हो? दस्तूर अहमद दरवाजे पर ही खड़ा था, सोचा आवाज देंगी तो फट से पहुंच जाऊंगा। चाय पिलाओ। मुंह हाथ धोए बगैर? अरे अंग्रेज कहाँ हाथ मुंह धोते हैं, पहले चाय पीते हैं। चाय पिलाओ। वो चला गया। उस कमीने का पूछ रही हूँ, वो क्या देख रहे हो, कहो ना चला गया। वो है आपके पैरों में, रात भर से यहीं पड़ा है। हाय, कम वक्त को दिल पर हाथ डालने के सारे हुनर आते। जगाओ इसे दस्तूर अहमद, गर्दन में बल पड़ जाएगा। कार, उठो, अम्मी बेगम बोल रही हैं गर्दन में बल पड़ जाएगा। बस जगाओ इसे, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अम्मी बेगम क्या कह रही। दादू, मुंह क्या देख रहे हो दस्तूर अहमद, हाथ पकड़ कर ले जाओ, तफा दूर करो इसको। चलो मियां, समझो कि यहां माफी नहीं मिलने वाली। एक सेकंड दस्तूर चाचा। आपकी कसम खा के कह रहा हूं दादा, आपके बाहर गया ना, तो लौट कर वापस नहीं आऊंगा।